हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइंड और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बैंकिंग स्टॉक्स को जो मेरा वीडियो देखते हैं आप जानते हैं आई रेगुलरली रिव्यू बैंकिंग स्टॉक्स टू रीजन वन इज बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी देर इज एनी ट्रबल देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द बैंकिंग स्टॉक्स एंड सेकेंडली बैंक स्टॉक्स आर ट्रेडेड हाई वॉल्यूम सो दे आर ग्रेट फॉर ट्रेडिंग

ना वेल्थ क्रिएशन का डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होता है और सिमिलरली स्टॉक में इन्वेस्टिंग बोलिए स्टॉक में ट्रेडिंग बोलिए देर आर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच देर आर अप्रोच फॉर वॉरन बाफे देर इज अप्रोच फॉर मार्क मिनरविनी देर इज अप्रोच फॉर पॉल टू डर जोन सो डिफरेंट डिफरेंट पीपल गो फॉर डिफरेंट अप्रोच Now, this is my approach of stock selection. What I look for is the gem phase when the stock is firing up, or high probability the stock is going to fire and give us a lot of return. That's where my focus remains. The gem phase. Or is uh, setup kill? I'll go to indicators. Up indicators may to invite only may you are going to find SD Rainbow Wave version one. एंड एस डी आर एस आई एक्स ये दो सिलेक्ट करते ही आपको जो मिलेगा दट इज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप इसके अंदर आई एम गोइंग टू सिलेक्ट कैश स्टॉक्स वीकली क्योंकि वीकली चार्ट में मैं स्टॉक्स सिलेक्ट करता हूं देन आई ट्रेड बेस्ड ऑन द डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट में, में मेरा कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे आई प्रेफर टू डू द ट्रेडिंग स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर मुझे चाहिए मिनिमम सेवेंटी स्टॉक आर एस स्टेटस जो आपके राइट साइड टेबल में दिख रहा है आई वॉन्ट इज़ राइजिंग स्पीडिंग और एक्सट्रीम एंड स्टॉक स्पीड स्कोर जो है दैट इज आई वॉन्ट मिनिमम टेन इन टर्म्स ऑफ वीकली तो दिस वन आई एम गोइंग टू डू फॉर द फर्स्ट द प्राइवेट बैंक एंड द पब्लिक सेक्टर बैंक और उसमें भी वी आर गोइंग टू अप्रोच अल्फाबेटिकल So clearly, पहला जो बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें बाई सिग्नल जो था ये हम लोग ऑब्जर्व किए थे एंड आई क्लियरली टोल्ड यू दैट आई एम नॉट रेडी टू गो इन टू दी हाइंड साइड में देख के लग रहा है इट वॉज अ राइट डिसीजन बिकॉज दिस डिस्पाइट द बाइ सिल द स्टॉक कुड नॉट फायर अप रिमेम्बर दिस इज नॉट वी आर नॉट ट्रेडिंग डेरिवेटिव स्टॉक टेन टू जेनरेट हायर रिटर्न इफ यू होल्ड बिट लॉन्ग टर्म सो so, ये जो अः uh, हिस्ट्री है स्टॉक का ये हम लोग हमारे फेवर में लेना चाहते दैट्स व्हाई आई गो फॉर अ बिट लॉन्ग टर्म चार्ट्स वीकली एंड डेली का कॉम्बिनेशन सो एयू बैंक आई विल प्रेफर टू रिमेन डिस्पाइट बाय सिग्नल डज नॉट मैटर आई वांट द जेम फेज जेम फेज के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल होना मेरे लिए बहुत जरूरी है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आप क्या कर सकते हो यू कैन गो हियर

तो मैं चाहूं तो तीन अलर्ट डाल सकता हूं बट नहीं मैं एक ही डालूंगा स्टॉक स्ट्रें स्कोर सेवेंटी जब ये फुलफिल होगा मुझे अलर्ट मिल जाएंगे और अलर्ट के टाइम अगर मेरा स्पीड स्कोर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है आई प्लेस द स्पीड स्कोर अलर्ट सो वन इंडिकेटर बाय बेस्ड अलर्ट इन वन स्टॉक वन वी कैन आल्सो ऐड प्राइस बेस्ड अलर्ट्स जो देखिए मेरा यहाँ पे अलर्ट लगाया हुआ है

तो एक्सिस बैंक में जो अलर्ट हमें चाहिए दैट इज स्पीड स्कोर ग्रेटर देन टेन एक चीज साथ में जब आप सेटिस्फाई हो गया आप इसमें इन्वेस्ट करना करने जा रहे हैं एक चीज और एक चीज आप ध्यान रखना चाहेंगे इज द बीटा व्हाट इज बीटा बीटा होता है स्टॉक के साथ जो मेन इंडेक्स है निफ्टी फिफ्टी या निफ्टी फाइव उसके साथ उसका वोलेटिलिटी रिलेशन फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टॉक का बीटा वन पॉइंट सिक्स है रिस्क मैनेजमेंट टूल है ये बीटा जब आपको जिग्जैक्ट वोलेटिलिटी मिल रहा है या फिर इंडिया का विक्स बढ़ रहा है एंड मार्केट इज इन मिक्स स्टेट आप लो बीटा स्टॉक होल्ड करना चाहोगे Similarly, when market is taking a downturn, up high beta, up low beta and negative beta stock near. So beta is not our mandatory criteria like these three, but beta can be used as a risk management tool. So Access Bank can get ready, but it is still not there. Very likely next week it is going to satisfy our criteria and will be able to enter some of the quantity. डेली चार्ट में फिर आके हमारा ट्रेडिंग चालू होगा आई नॉट गो टू डेली चार्ट आई एम जस्ट शोइंग यू द स्टॉक सिलेक्शन बंधन बैंक मे रिवर्स बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज वी वांट द जेम फेस एंड करंटली अभी तक आया नहीं रिवर्सल रिवर्सल आने के लिए मिनिमम एक बाई सिग्नल चाहिए जिनको बाई सिग्नल के साथ आप खेलते हैं सो यू कैन गो फॉर द रेनबो बाई सिग्नल बट स्टॉक के लिए आई प्रेफर दिस क्राइटेरिया डेरिवेटिव में है ठीक है आप बाई सिग्नल ट्राई कर रहे ओके बट स्टॉक के लिए आई वॉन्ट द चेम ऑफ द चेम स्टॉक क्योंकि डेरिवेटिव मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ कॉमोडिटी उसमें लिमिटेड है गोल्ड सिल्वर प्रूड एन जी जिंक कॉपर एल्यूमिनियम एक्सेट्रा बट स्टॉक्स जो है थाउजेंड ऑफ स्टॉक्स उनमें से जिम क्वालिटी मुझे ढूंढना है विदाउट टचिंग द फंडामेंटल तो इसीलिए क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिंजेंट और जो लोग फंडामेंटल अप्लाई करते हैं यू कैन आपके हिसाब से यू कैन लूजन द मैंडेटरी क्राइटेरिया बिट बट मैं प्रेफर करूंगा आप जो मेरे सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये क्राइटेरिया को फॉलो करें बी बेटर सेव ये बार हर बार ये प्रूव हो चुका है लास्ट मार्केट डाउन टर्न में भी जो हमारे स्टॉक्स थे देफॉर्म वे वे बेटर लेट्स लुक एट दी एस बी बैंक वेरी बैड राइट नाउ इसके लिए आपका मेरा इट्स क्लियरली वाइट विजुअल इट्स क्लियर दैट सी एस बी बैंक इज नॉट दन राइट नाव सेम सिटी यूनियन बैंक देखेंगे तो सिमिलर स्टोरी ब्रेक नहीं हो पाया इंपॉर्टेंट लेवल 162 के ऊपर एक बार सस्टेन होगा तब जाके हम लोग सोचेंगे का इट आल्सो नॉट हमारे क्राइटेरिया डीसीबी बैंक गुड द आंसर नो जस्ट वन लुक एंड ऑलरेडी अलर्ट लगाए हुआ है सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मोर की फिर से डुप्लीकेट नहीं बनाना चाहता हूं आप लोग जरूर अलर्ट डाल दीजिएगा इक like यहां पर स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर अब सैटिस्फाई है हो रहा है बट स्पीड नहीं तो so, यहां पे हम लोग क्या करेंगे ए हम लोग अलर्ट में जाएंगे और स्पीड स्कोर का अलर्ट डाल देंगे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द इक्विटर्स नॉट रेडी क्लियरली दिख रहा है और ये स्ट्रेंथ स्कोर के साथ साथ मैं चाहूंगा मिनिमम ये कोई भी एक टीएमपी फेज में रहे जैसे ये स्टॉक

ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा एंड इट वाज लुक्स लाइक इट वाज सो फार अ गुड डिसीजन अगेन द एचडीएफसी बैंक इज कमिंग अप शोइंग अप्रेंथ सामने आ रहा है, breakout, अभी तक नहीं। अगर आप इसको खेलना चाह रहे हैं आई विल रिकमेंड गो विद वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड अ बिट ऑफ लार्जेस्ट स्टॉप लॉस क्योंकि रेनबो का बाय सिग्नल यूजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड वेरी लाइकली बाइंग का चांस मिलने का है बट हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ये स्टॉक अभी फुलफिल नहीं हो रहा है सो वी विल जस्ट अवॉइड एच डी एफ सी बैंक सेम आईसी बैंक का ब्रेकआउट फेडेड नॉट वर्किंग रिजेक्ट इज आई डी बी आई गुड आंसर इज नो वी नीड स्पीड स्पीड के बिना ये बाइंग जो हो रहा है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो स्पीड स्कोर अलर्ट आई डी बी आई में डाल दीजिए नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक क्या ये अच्छा है नो द आंसर इज ब्रॉडली द नो हमारे क्राइटेरिया भी नहीं साथ में सेल सिग्नल रेड कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है वी कैन सी अ बाउंस बैक बट बाउंस बैक वी आर नॉट इंटरेस्टेड जो छोटे प्लेयर्स है शॉर्ट टर्म में मे बी दे गो फॉर दिस बाउंस बैक लेवल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल दिस वन शायद वेरी लाइकली ब्रेक ना हो और अगर ब्रेक हो जाए देन वी कैन सी वेरी बिग डिक्लाइन इन आईडीएफसी आई डी एफ सी पर्स दिस ब्रेक नहीं होगा एंड वी मे सी अ बाउंस बैक बट प्लीज रिमेम्बर हर ट्रेड हर स्टॉक हम ले नहीं सकते सो वंस अगेन आई विल आर्ग्यू टू रिमेन फोकस्ड ऑन दीज क्राइटेरियाज एंड वंस दे आर फुलफिल्ड गो फॉर देन आप ब्यूटिफुली देख सकते हैं जब हमारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तब कैसे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं लेट्स दिख रहा है इज इट गुड आर एस आई दिखा रहा है क्लियरली नॉट रेडी शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश अपना आर एस स्टेटस फुलफिल नहीं हो रहा है तो इसमें आप एस अलर्ट लगा दीजिए नीड स्ट्रॉग मोमेंटम अदरवाइज ये स्टॉक में बाई करके पैसा नहीं आने वाला है कोटैक बैंक बहुत ही बैटर पेनाल्टी लगने के बाद थोड़ा बाउंस बैक दिख रहा है बट बाउंस बैक एज वी आर नॉट इंटरेस्टेड वी आर इंटरेस्टेड इन ग्रेट रान बाउंस बैक कर्नाटका बैंक सेल्फ सिग्नल रेड ग्रेजुअली मूविंग लोअर नॉट रेडी आरबीएल बैंक नॉट रेडी साउथ इंडियन बैंक सिमिलरली यहां पर एक झलक देखते ही पता चल जा रहा है कि रेडी नहीं लास्ट टाइम थोड़ा क्राइटेरिया करने वाले थे स्मॉल फाइनेंस बैंक बट उसमें भी अल्टीमेटली इट कुड नॉट ब्रेक हायर ये बाई सिग्नल आया था एक अटेम्प्ट आया था आई ट्राइड द इनिशियल बट आफ्टर द फेलियर स्कवाड ऑफ एंड करंटली प्लेस द प्राइस बेस्ड अलर्ट यहां का ब्रेकआउट होगा देन ओनली आई बी इंटरेस्टेड और अभी हम लोग एंटर नहीं कर सकते बिकॉज प्राइस एक्शन इज नॉट बुलिश मतलब फुल ग्रीन कैंडल करेंटली अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तमिलनाड मर्का बैंक को इज तमिल गुड एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं एज आई से छोटा मोटा रान वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड

final in the private segment is yes bank and it is quite clear the yes bank is not at all ready for any kind of investments now we are moving to uh, psu banks first we are going to bank of baroda is it good the answer is no bank of india red candle bilkul nahi कनाडा बैंक इज इट गुड मोमेंटम को थोड़ा ध्यान दे के देखिए आर एस को कैसे जा रहा है फेडिंग बुल फेज में है तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता ये सब फेज एंट्री का स्पीड भी नहीं है ये स्टॉक में इस सेंट्रल बैंक गुड सेंट्रल बैंक में एक बाइंग सिग्नल मिला है दिस कैन बिकम गुड इन फ्यूचर अभी नहीं है तो इसमें फेडिंग बुल आप आर अलर्ट या तो स्पीड स्कोर अलर्ट लगा सकते हैं और आप अगर थोड़ा पोजीशन लेके ट्राई करना चाहते हैं इसको छोटा पोजीशन लेके ट्राई कीजिए ताकि क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ आप फिर भी ट्राई कर रहे हैं तो अगर लॉस भी हुआ आपको ज्यादा नहीं होगा ऑन द क्वांटिटी साइड बट दिस इज वन स्टॉक विच कैन यू कैन कंसिडर के इट मे कम इन फ्यूचर इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीक इसमें आप बाइंग देख सकते हो सिमिलरली इंडियन बैंक इंडियन बैंक में पाइंग सिग्नल है और ये स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कोई ये स्पाइक है ये स्पाइक के ऊपर 599 मतलब 600 के ऊपर फिर से हम लोग एंट्री कर पाएंगे इंडियन बैंक इंडियन बैंक जो है ये हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने लगे हैं एंड दैट इज गुड सो इंडियन बैंक वी आर गोइंग टू कीप इन आवर मदर लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग आईओबी देखिए बाइंग सिग्नल आ रहा है तो इसमें क्वेश्चन आता है क्या हमें एंटर कर लेना चाहिए जब भी आपके माइंड में ऐसा क्वेरी आ रहा है और लग रहा है वन इज वट अबाउट द शॉर्ट टर्म मोमेंटम एस टी मोमो हाउ इज इट फेयरिंग हाउ इज द आरएस एंड स्पेशली द आर एक्स आर एक्स क्लियरली दिख रहा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी तक नहीं यहाँ पे मैं आठ फैक्टर है मोमेंटम की तरफ एलटी मोमो एमटी मोमो एसटी मोमो एंड यहाँ पे मोमेंटम का पावर करंटली देखा जाए तो फोर फैक्टर्स आठ में से चार आधा फैक्टर्स है डियर के साथ थ्री हियर एंड वन हियर एंड फोर फैक्टर्स विद द बूल्स सो क्लियरली मिसमैचेस स्ट्रांग मोमेंटम चाहिए और आप चाहेंगे एक बार सत्तर के ऊपर सेवेंटी के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो जाए देन ओनली यू आर इंटरेस्टेड तो क्या किया जाए गो फॉर प्लेसिंग एन अलर्ट क्रॉसिंग अप क्रिएट देन वी हैव महाराष्ट्र बैंक इट इज हमारे आर एस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहां पर आर एस आई एक्स दिख रहा है क्लियरली इन अ मोर फेडिंग मोड बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर रहा है ये स्टॉक तो इसमें आप जो अलर्ट लगाना चाहते हैं आर एस अलर्ट राइजिंग स्पीडिंग अलर्ट नंबर राइजिंग स्पीडिंग और एक्सट्रीम बुल आ, और इसमें अगर आप अभी पोजिशन लेना चाहेंगे इस विल कि आप छोटा ले और प्राइस वाइज आप 71 के ऊपर क्रॉसिंग का एटलीस्ट इंतजार कीजिए और उसके ऊपर क्लोज हुआ यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अनदर एडिशनल पोजिशन इन दिन देन वी आर लुकिंग एट पंजाब नेशनल बैंक इज इट गुड द आंसर इज करेंटली नो द पंजाब नेशनल बैंक इज नॉट सैटिस्फाइंग आवर क्राइटेरिया इस पंजाब एंड सिंध बैंक गुड मोमेंटम क्लियरली बता दे रहा है no. नो इसमें अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे फालतू का एंड पैसा भी इसमें लॉस हो सकता है आपका सो यू डोंट वॉन्ट टू गो फॉर दैट वन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है इट्स अ फुल ग्रीन कैंडल एवरीथिंग सो एक ही कॉशन होगा इसमें कैंडल साइज देखिए बड़ा हो चुका है इसका मतलब वी कैन विटनेस समोथ साइड वोलटलिटी बट एस बी आई इज द वन विच इज शोइंग स्ट्रेंथ लास्ट यूको बैंक वी आर टेकिंग इसमें बाई सिग्नल आया है हो सके आने वाले दिन में स्ट्रॉन्ग हो जाए देखिए प्राइस अलर्ट मेरा लगाया हुआ है ऑलरेडी और इसमें आप स्टॉक स्पीड स्कोर का अलर्ट लगा सकते हैं सो इन द कमिंग वीक यूको बैंक में ऑल्सो कम इन टू आवर लिस्ट जैसे मार्केट खुलेगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी है यूनियन बैंक नॉट एट ऑल गुड स्पीड नहीं है इसमें सो विल अवॉइड यूनियन बैंक तो बैंक्स में अगर देखा जाए मुझे चार ही स्टॉक्स मिल रहे वर्थ नोटिंग वन ऑफ सेंट्रल बैंक इंडियन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक विच आर ब्रॉडली हमारे क्राइटेरिया आर देर नहीं तो दे कैन सेटिस इन द कमिंग वीक तो ये स्टॉक हम अपने मदर लिस्ट में डाल दिए एंड इस स्टॉक ये सब जो मदर लिस्ट में उन्हीं में हम लोग डेली चार्ट में ट्रेडिंग ऑपरचुनिटीज रन अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर मी ऑल द बेस्ट टू यू एंड एज यूजल हैप्पी ट्रेडिंग